हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं डबल शू ब्रेक सिस्टम के बारे में। बहुत ही प्यारे तरीके से आराम से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर हम सीधा मॉडल पे आएं तो मॉडल में है क्या, हमारे पास एक है यहाँ पे रोटेटिंग ड्रम है। यहाँ पे देखिए, ये ड्रम है रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे दो शू हैं, यहाँ पे ये देखिए दो शू लगे हुए हैं और इसने पकड़ के रखा हुआ है। मैं इसको छोड़ता हूँ, इसने पकड़ रखा हुआ है, अब ये घूमेगा नहीं। देखो ब्रेक लग रखी है, और जैसे ही मैं इस लीवर को दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो इसने क्या करना है, स्प्रिंग को इस तरह से खींच दिया, इधर दबा दिया। अब देखो, अब ये रोटेट हो रहा है, अब ये रोटेट हो रहा है, अब ये रोटेशन जो है इसकी होने लग गई। अब हमारे दिमाग में आया कि सर ये क्या हुआ, ब्रेक तो जब हम लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तब ब्रेक लगनी चाहिए, ये क्या है, ये अभी तो ब्रेक लग रखी है, ये कौन सी ब्रेक हुई, तो ये कहाँ यूज होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि ये होता है भाई क्रेन्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक क्रेन्स जो होती है ना हमारे पास, उसमें यूज होता है। देखो लोड जो होता है, क्रेन का काम क्या है कि लोड कैरी करना है। जब उसने लोड कैरी करके रखना है कहीं पे, मान लीजिए उसने, तो अभी ऑपरेटर फ्री हो गया, मान लीजिए हाथ छोड़ दिया उसने, उसका फोन आ गया भाई साहब का, फोन पे बात कर रहा है, अभी लोड तो ना नीचे जाए ना, तो इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया लोड को, ब्रेक लगी हुई है, अभी कंडीशन क्या है, ब्रेक्स लग रखी है, लोड नीचे नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। अब जैसे ही उसने फोन बंद किया, अच्छा ठीक है, लोड नीचे लेके जाना है, तब वो इसको प्रेस करेगा। या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हम देखें तो सोलेनोइड से आएगा, सोलेनोइड से एक करंट आएगा, तब ये ऑपरेट होगा, तो वो सिस्टम आ गया। अगर हम मैकेनिकली समझे तो वो इसको ऑपरेट कर देगा, ऑपरेट करेगा, उसके कारण क्या होगा, लोड इसको नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जब हमने इसको दबा दिया, उसके कारण क्या होगा कि ये अब मूवमेंट कर सकता है, देखो अब मूवमेंट कर सकता है, लेकिन फिर वही बात कि हमें जब छोड़ना है लोड तब इसको दबाना है, नहीं तो पकड़ लो भाई लोड को, पकड़ के रख, नीचे मत जाने देना। ये होता है डबल शू ब्रेक सिस्टम। सीरियसली ये दिमाग में हमारे सब क्या आता है कि ये, और इवन बुक्स में तो हमें बहुत कम इसके बारे में बताया जाता है कि एप्लीकेशन, कुछ बुक्स में इसकी एप्लीकेशन दिखा बताई होती है, नहीं तो नॉर्मली इसके बारे में नहीं बताते। तो नॉर्मल कंडीशन इज ब्रेक, ना कि नॉर्मल कंडीशन की रनिंग। तो ये व्हील में नहीं लग रहा, कि कहीं व्हील पे नहीं लगा रहे हम, ये लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक क्रेन्स में। बात समझ आई, और किन, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना किन लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी वर्किंग पता थी, या आपको नई चीज आज पहली बार सीखने को मिली, ठीक है, आपको क्या पता थी आपको ये चीज जो मैंने बताई है। अगर नहीं पता सही तो एक बार जरूर बताना, देखते हैं कितने लोगों को ये पहले से एप्लीकेशन पता थी, कितने को नहीं पता थी। ओके, इस तरह की और वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ओके, अराउंड 900 से लेके 1000 वीडियो तक तो मैं बना चुका हूँ, बहुत सारा कुछ मिलेगा। आप जो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर लीजिए उसको, इससे ये फायदा मिलता है कि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ ऐप डाउनलोड करने का, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे कोर्सेस, जूनियर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, आप प्रोफेशन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ ऐप में सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।